वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के एयर इंडिया काउंटर पर आज आग लगने की बात सामने आई थी। इस समय हमारे साथ मौजूद है वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिस्टर ए.के. राय जी। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, इस जो अभी आज हादसा हुआ है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें हमें कि क्या था मामला। एक्चुअली 7:45 पे आग लगने की खबर आई और हमारे CISF के जवान जो ड्यूटी पे थे उन्होंने इसको नोटिस किया और इमीडिएटली हमारे फायर टीम को बताया और उन्होंने हमारी टीम ने मिलके इसको 8:25 पे फायर को एक्सटिंग्विश कर लिया था। उसके बाद हम लोग इसकी प्रोसेस में लगे थे कि सारा सिस्टम नॉर्मल हो। उसी बीच में हम लोगों को पता चला कि पहले हम लोग इस पे काम कर रहे थे कि शायद कहीं से शॉर्ट सर्किट हुई है उसके चलते हुआ है, क्योंकि काउंटर क्लोज था, एयर इंडिया का काउंटर 10:30 के आसपास खुलता है। बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये किसी ने आग जानबूझ के लगाई है, इंटेंशनल आग। सर, ये भी मामला सामने आ रहा है कि जिसने आग लगाई थी उसको अभी इस समय हिरासत में लिया गया है, तो क्या एयर इंडिया की तरफ से कोई कंप्लेन की गई है? एयर इंडिया ने FIR किया बिकॉज उनके काउंटर पे हुआ है, तो एयर इंडिया की तरफ से FIR हुआ है और उस बेसिस पे जो कुछ प्रूफ मिले हैं उसे इंडिकेट कर रहे हैं, उसको शायद उन्होंने लिया हिरासत में। सर, एयरपोर्ट पे आग लगना सुरक्षा की तरफ भी काफ़ी सवाल उठाता है, तो अब क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे प्रशासन की परिसर में और किस तरीके से अब सुरक्षा को आगे नज़रिए से देखा जा रहा है? ये नॉर्मल केस नहीं है, इसे ये शायद इंटेंशनल हुआ है और इस तरह के लिए अब ऐसी घटना हुई है, इसमें हम और इसको पुख्ता करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमारे साथ इस समय मौजूद है वाराणसी एयरपोर्ट के डायरेक्टर, जिन्होंने ये इस बात से बिल्कुल हामी भरी है कि हाँ, ये सुरक्षा पर ज़रूर सवाल उठाता है और आगे से इस बात की जिम्मेदारी ली जाएगी कि ऐसी कोई भी घटना एयरपोर्ट पर ना हो। अर्णिमा द्विवेदी, ETV वाराणसी।